गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इस तरह के सब्सक्राइब एनिमेशन बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। गाइस जितना जरूरी आप अपने वीडियो में इंट्रो लगाना समझते हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा जरूरी आप अपने वीडियो में सब्सक्राइब एनिमेशन लगाना होता है, क्योंकि यही हमारे न्यू व्यूअर्स को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करता है। तो गाइस कुछ इस तरह के सब्सक्राइब एनिमेशन बनाने के लिए हमको सिंपली काइनमास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। देन यहाँ पर मैं अपने काइनमास्टर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा काइनमास्टर ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ तीन प्रकार का रेशियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो 16:9 रेशियो हमको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर हमारा जो फ़ोन में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप लोगों को नो कॉपीराइट वाला सब्सक्राइब एनिमेशन वाला ग्रीन स्क्रीन वाला टेम्पलेट आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। देन इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आपको सिंपली इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। देन यहाँ पर आप लोगों को प्ले करके आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरह से है ये टेम्पलेट। तो इस टेम्पलेट्स में हम अपना चैनल के सब्सक्राइब एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको अपने चैनल का लोगो या फिर अपने चैनल के पिक को लेना है, जहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमको अपने चैनल का लोगो, अगर आप अपने चैनल में लोगो लगा के रखे होंगे तो उस लोगो को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर आप चैनल पर पिक लगा के रखे होंगे तो उस पिक को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपने चैनल में पिक लगा के रखा हूँ लोगो को जगह, तो उसको यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके चैनल का जो भी लोगो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर कोई भी पिक है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर मेरा जो पिक है यहाँ पर है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। देन यहाँ पर अब हमको इसके जो साइज़ है उसको छोटा कर लेना है। तो छोटा करने के लिए आपको सिंपली इधर आ जाना है क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे। इसमें आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को मास्क का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को शेप्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शेप्स देखने को मिल जाएगा। सिंपली हमको यहाँ पर सर्कल वाला शेप चाहिए, तो सर्कल वाला शेप को क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर सर्कल वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद गाइस आपके जो लोगो या फिर पिक है कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर फिर से इसको टेम्पलेट के हिसाब से इसको छोटा बड़ा करके यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट करना, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोगों को राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो राइट का ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन कुछ इस प्रकार से अब गाइस हमको यहाँ पर अपने चैनल का नाम देना है। तो चैनल का नाम देने के लिए यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर फिर से चले आना है। देन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले आना है। वाले ऑप्शन पर आने के बाद गाइस यहाँ पर सिंपली अपने चैनल का नाम को टाइप करके लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने चैनल का नाम को टाइप कर लेता हूँ। चैनल का नाम को टाइप करने के बाद गाइस यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इसी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो। अब इस टेक्स्ट को फॉन्ट को हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को फॉन्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर हमको सिंपली रोबोट ब्लैक वाला फॉन्ट को ले लेना है। तो रोबोट ब्लैक वाला फॉन्ट को लेने के बाद यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस फिर से आपको उस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इसके हमको कलर को चेंज करना है, तो कलर हम इसका रखते हैं रेड। तो रेड वाला कलर को क्लिक करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देन हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब इसको हमको थोड़ा सा इसमें हम दे देते हैं शेडो। तो शेडो देने के लिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा शेडो का ऑप्शन, सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइस इसका जो शेडो है हमको दे देना है 10+ ही रख देना है इसको। अब आप लोगों को शेडो के ऑप्शन से बाहर आके आपको ग्लो वाले ऑप्शन पर आ जाना है। देन यहाँ पर इसको भी आप लोगों को क्लिक कर लेना है, इनेबल कर लेना है। एंड यहाँ पर हमको देना है इसका जो है कलर है वो ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद आपको इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है जितना आपको देना है ग्लो। तो मैं सिंपली मैं कुछ इतना दे देता हूँ इसको।
41। अब यहाँ पर राइट का ऑप्शन है, सिंपली राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इसको हमको मैच करने हैं इस टेम्पलेट के हिसाब से, तो इसको मैच करते हैं इसके टेम्पलेट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट है कुछ इतना में रहेगा, कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आप लोगों को देख लेना है। एक बार हमको प्ले करके देखते हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम तो हमारा जो टेक्स्ट है उसको आप लोगों को ड्रैग करके टेम्पलेट में ला लेना है। देन यहाँ पर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इसके टाइमिंग को हमको सेट करना है इस टेम्पलेट के हिसाब से, तब मैच होगा, वरना मैच नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को इसके टाइमिंग को भी मैच करना ज़रूरी है। सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन इसमें हमको एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन हमको देना है स्लाइड अप, तो स्लाइड अप वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसका जो टाइमिंग है 1 ही रहने देना है। एंड यहाँ पर राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसमें एनिमेशन देना है आउट एनिमेशन, तो आउट एनिमेशन के लिए आपको देना है इसमें स्लाइड डाउन, तो स्लाइड डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन इसका भी टाइमिंग है वो फर्स्ट ही रहने देना है। अब ये तो हो गया, अब हमको अपना चैनल का लोगो है या फिर पीक है उसका एनिमेशन देना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड इन एनिमेशन के ऊपर आ जाना है। अब इसका एनिमेशन भी हमको स्लाइड अप करना है, एंड इसका भी टाइमिंग हमको 1 रख देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको अपने पिक के ऊपर या फिर लोगों पर क्लिक कर लेना है। और इसमें आउट एनिमेशन देना है, तो आउट एनिमेशन वाला ऑप्शन पर आ जाना है। और आउट एनिमेशन में हमको देना है स्लाइड डाउन, तो स्लाइड डाउन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इसका भी टाइमिंग है वो 1 ही रहने देना है। और इधर राइट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम लोगों को इसको प्ले करके देखते हैं कि सही तरीके से मैच हुआ है कि नहीं कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो रहा है हमारा जो पिक है या फिर लोगो है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको आगे ले आना है। अब फिर से आपको प्ले करके देख लेना है कुछ इस प्रकार से अच्छी तरीके से मैच हुआ है कि नहीं कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो गाइस हमारा जो एनिमेशन है, सब्सक्राइब एनिमेशन है, वो अच्छी तरीके से मैच हो चुका है हमारे टेम्पलेट के हिसाब से, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और एक प्रोफेशनल एनिमेशन के टाइप से लग रहा है। तो मैच होने के बाद गाइस अब इसको हमको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमको सिंपली ये वाला सिंबल को पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। देन इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस इसका जो लेंथ है, ये जो इसका साइज है, उसको आप सबसे हाई कर देना है। हाई करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपका जो सब्सक्राइब एनिमेशन है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से गाइस बहुत से सिंपल तरीके से आप अपने वीडियो के लिए सब्सक्राइब एनिमेशन बना सकते हो, और आप अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल लुक में दिखा सकते हो। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल में नए गाइस सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ इसी प्रकार के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइस। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। बाय बाय।